जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फार्मूला और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, पूरे सिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम जो कार्बन है, कार्बन अपीयर टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। जो कार्बन है वो अपीयर हुआ है कि बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है वो। कैसे? क्योंकि हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि जो कंपाउंड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के, है ना, वो फॉर्म करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। जबकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो कार्बन है वो अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जैसे कि हैलोजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन, या फिर सल्फर के साथ। तो हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? देखो, दीज एलिमेंट कैन रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन इन सच मैनर। देखिए, ऐसे मैनर में जो एलिमेंट्स होंगे वो रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन। और कैसे, मैं आपको शो करती हूँ एक बार। देखो, जैसे सपोज करो कार्बन है, राइट, ये भी कार्बन है, कार्बन के चार बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ, ऑल राइट। सपोज हाइड्रोजन, तो अगर ये एलिमेंट कार्बन का है, अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के अलावा वो और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाए, है ना, यानी हैलोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, यानी कि ये जो कार्बन का बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, अगर ये रिमूव करके हम इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन लगा देंगे, ठीक है, तो यानी क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें एक एलिमेंट से, तो उसकी जगह जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहेगी, उसकी जगह बस किसी और को लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन को लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है, यानी कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चारों कार्बन की चार वैलेंसी होती है ना, तो चारों सेटिस्फाई रहे, यानी इसकी जगह चेंज कर देंगे और वैलेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट जो होते हैं रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, उनको कहते हैं हेट्रो एटम्स, ठीक है, हेट्रो एटम्स। और ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं कुछ ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो या फिर अल्कोहल या एल्डिहाइड। ये हेलो या अल्कोहल और एल्डिहाइड जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये कार्बन फ्रेंडली नेचर का कैसे है, ठीक है। तो ये जो हेट्रो एटम्स है या फिर ग्रुप जो है कंटेन करता है बहुत सारे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि दो प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हैं, जैसे कि जो लेंथ है या फिर नेचर होता है कार्बन चेन का, ठीक है, तो इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मैं जब से बता चुकी हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे हेलो अल्कोहल या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ साथ और भी एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वो बॉन्ड फॉर्म करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा।